हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम कंप्यूटर का एक सीरीज़ चल रहा है बेसिक नॉलेज के बारे में, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज जानने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ हिंदी में ही पूरा नोट्स है मेरा, तो आई होप कि आप लोग इसको पढ़ के भी समझ लेंगे, तो इसको बहुत डिटेल से बताना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आई थिंक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उपभोक्ता व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस या मध्यवर्ती घटक का काम करता है। उपभोक्ता मतलब आप जो काम कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स जैसे कि जो मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, जो कीबोर्ड हो गया, उसके बीच मध्यवर्ती मतलब एक जैसे कि अगर हम कुछ टाइप करेंगे, हम उपभोक्ता हैं, और जो हमारा जो जो हमारा हार्डवेयर होगा और जो वर्क करेगा उसके बीच का जो इंटरफेस जो होगा वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसका एक परिभाषा ये भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साधन प्रबंधक मतलब रिसोर्स मैनेजर भी कहा जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी हार्डवेयर साधनों की क्षमता उचित उपयोग हो। मतलब सभी हार्डवेयर की क्षमता जो होती है, मतलब जो हार्डवेयर जो हम जो क्षमता है, जैसे कि मान लो जो हमारा मॉनिटर है उसकी क्या क्षमता होगी, जो कीबोर्ड है उसकी क्या क्षमता होगी, उसका जो उचित प्रबंधक कर मतलब सुनिश्चित करता है कि इनकी क्षमता का उचित उपयोग हो। ठीक है, इस प्रकार दो परिभाषा आप ऑपरेटिंग सिस्टम का दे सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह व्यापक रूप से देखिए व्यापक रूप से जो माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित मतलब बहुत ही व्यापक तरीके से जो पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह सरल गैर सूचित्रित कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखना पड़ता है। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है यह 7.0 है। आंतरिक डोस कमांड, देखिए इसके एक क्वेश्चन में हमने देखा है कि इसके बाह्य व आंतरिक कमांड के विषय में हमको बताना है। देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, PGT से असाइनमेंट का एक कॉपी है, एक नोट्स है मेरे पास जिसको मुझे लगा कि एक बेसिक नॉलेज है जिसको मैं वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूं। आई होप कि किसी के लिए भी तो यूज़फुल हो। तो देखिए आंतरिक डॉस कमांड क्या होता है, ये ऐसे डॉस कमांड होते हैं जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करते ही कंप्यूटर बूटिंग के समय अपने आप ही कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं, और तब तक कंप्यूटर के मेमोरी में बने रहते हैं जब तक स्विच ऑफ न हो जाए। उदाहरण के लिए कॉपी, MD, RD, CD, CLS, डाटा, टाइम, इको, RD। मतलब आंतरिक डोस कमांड ये होते हैं कि ऐसे डोस कमांड जो कंप्यूटर में स्विच ऑन होते ही कंप्यूटर में बूटिंग के समय अपने आप ही कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं, मतलब पहले से ही कंप्यूटर में रहते हैं, तब तक कंप्यूटर में मेमोरी में रहते हैं जब कि स्विच ऑफ ना हो जाए। बहुत सिंपल पॉइंट है, आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे कमांड होते हैं जो हमेशा कंप्यूटर में ही रहते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो जब बूटिंग होता है तब उस समय ये लोड हो जाते हैं, और तब तक रहते हैं जब तक कि जैसे कि टाइम और डेट हमारा जो है कंप्यूटर में ही रहता है। जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो भी हमको सेम दिखता है जो पहले, जब तक स्विच ऑफ नहीं कर लेते हम लोग कंप्यूटर को तब तक दिखते रहता है टाइम और डेट, तो वही है आंतरिक डॉस कमांड। बाह्य डॉस कमांड क्या होता है, यह छोटी छोटी प्रोग्रामों में स्टोर रहते हैं, और यह प्रोग्राम हार्ड डिस्क को फ्लॉपी डिस्क में स्टोर रहते हैं। उदाहरण के लिए कंपेयर, 3 फॉर्मेट्स, SYS, प्रिंट, एडिट, etc। हाँ, ये छोटे छोटे जो हैं प्रोग्राम हैं, छोटी छोटी प्रोग्रामों में स्टोर रहते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में रहते हैं, बाह्य डॉस कमांड कहलाते हैं। जैसे कि ये प्रिंट, एडिट, ये 3, कंपेयर, ये सब आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये है, यही था हमारा इस टॉपिक का एनालिसिस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग MS-DOS के बारे में हमने जाना। आई होप कि कुछ नया सीखने को आपको मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।